Hi guys, welcome back to our channel House of Kalakar. Myself Vrinda Haldia. Today we are learning how to paint face by the watercolors in a very very easy steps, guys. Just enjoy the video. Guys, मैं यहाँ पे artist watercolor cakes 18 shades वाला pack use कर रही हूँ. इसमें से मैंने ये ऑरेंज कलर एंड वाइट कलर स्किन कलर के लिए मिक्स किया है. आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी मिक्स किया हुआ रखा है. इसके अंदर मैंने हल्का सा ब्राउन भी मिलाया जो ऑरेंज के पास में है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी. हम इसको पानी में कलर को मिक्स करते हैं. एज यू नो दिस इज़ द वाटर कलर, सो वाटर की क्वांटिटी इसमें हमेशा ज़्यादा रहेगी. गाइस अभी देख सकते हैं दिस इज़ वेरी ईजी. पानी बहुत सारा रखना है. नाउ वॉट यू नीड टू डू, अब बहुत ही हल्का सा लुक. गाइस आप देख सकते हो इसके अंदर पानी कितना सारा मिक्स कर रखा है मैंने, और मैं दोबारा कलर नहीं ले रही हूँ, ये भी आप ध्यान रखिए. बस एक बार जो ब्रश में कलर है दैट्स इनफ. अब मैं वहाँ वहाँ कलर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ शेड मुझे डार्क देना है. और गाइस लुक, मैंने अब साफ पानी का ब्रश लिया है, उसको मैंने हाथ पे पूरा वाइप आउट किया है. उसके बाद मैं इसको एजेस पे, जहाँ पे कलर के एजेस हैं उस पर लगा रही हूँ. हो सकता है आपके पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो शीट थोड़ी फूल सकती है. तो गाइस पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, लाइटली, बहुत धीरे धीरे ही हम उसको सीख पाएंगे. हो सकता है एक बार गलत हो, दो बार ख़राब हो, पर आप कोशिश करते रहिएगा कि डेफिनेटली आपसे हो जाएगा. नॉर्मली मैं पेंसिल के मार्क्स मिटा देती हूँ, बट इस वीडियो में मैंने वो इरेज नहीं किए हैं बिकॉज ताकि आपको ईजिली वो दिख सके. सो आप अगर कर रहे हैं तो पेंसिल के मार्क्स को लाइट कर दीजिएगा. अब मैंने नोज़ पे डैप दी है, मतलब जहाँ जहाँ हमारे शेडो होती है फेस पे वहाँ वहाँ मैंने फ़िलहाल अभी ये वाटर शेड लगाया है. नाउ अब मैं थोड़ी से आइस के शेड्स को इरेज किया है मैंने. अब गाइस आप देख सकते हो मैंने एक रेड कलर लिया है जो कि हमारे ब्राउन के ऊपर था, इंडियन रेड के ऊपर, और उसको भी बिल्कुल पानी पानी जैसा मैं लगा रही हूँ. यू कैन सी इट, इट्स वेरी ईजी. हमें पूरा फिल नहीं करना है गाइस, कीप इट थोड़ा सा लाइट एंड डार्क, थोड़ा सा वाइट एंड थोड़ा सा डार्क. हम जो करते हैं हम पूरा फ्लैट कलर जब भर देते हैं दैट्स नॉट अ गुड थिंग. अब मैंने पानी लिया है और उस पर हल्का सा लगा दिया ताकि इसकी जो एजेस थे ना गाइस, जो लाइंस आ रही थी वो क्रिएट नहीं होंगी. पानी की क्वांटिटी अगेन आप कम रखिएगा वरना इससे आपकी शीट फूल सकती है. आप ये ट्राई पूना हैंडमेड पे कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी इजी. शीट्स की डिटेल्स मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दूंगी कि किस किस तरह की शीट्स पे किस तरह से कलर्स वर्क करते हैं, सो डोंट वरी. फिलहाल ये मैंने कार्ट्रिज शीट यूज़ की है, बट आपके लिए कार्ट्रिज शीट थोड़ी पतली हो सकती है तो थोड़ी मोटी शीट लीजिएगा, जो भी लीजिए. अब मैंने वापस से टोन बनाया है, इसमें मैंने वाइट कलर थोड़ा सा कम रखा है, ये डार्क शेड है गाइस, और फिर पानी भी मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा कम रखा है. ये फेस मैं बहुत ही बेसिक डिटेल्स के साथ बता रही हूँ गाइस, इसमें बहुत सारे लेवल्स और वेरिएंट्स हो सकते हैं, बट बिना देखे बिना कुछ सीखे बिगनर्स के लिए दिस वुड बी द वेरी वेरी ग्रेट कि हम फेशियल फीचर्स को वाटर कलर फेस में कैसे डाल सकते हैं. आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कैसा बना है एंड क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं. आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट थ्रू द अनदर वीडियो. डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाकर आपको उसके सॉल्यूशंस बता पाऊँगी. ड्राइंग पार्ट फेस को ड्रॉ कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक और पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर मैंने बता दिया है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ कि हाउ टू ड्रॉ द फेस, हाउ टू ड्रॉ द फेशियल फीचर्स, दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी. इस वीडियो में आप बेसिक वाटर कलर्स सीख रहे हैं कैसे डार्क्स देनी है. लग गाइज इसको मैंने और डार्क दिया है. इसके अंदर हल्का सा मैंने ब्रंज आइना मिलाया है जो कि ऑरेंज के पास में था, उससे थोड़ा सा ब्राउनिश टोन आ जाता है. दैट्स माई वे.
दिस इज़ नॉट द कंपल्शन कि आप पर्टिकुलर 2 या 3 कलर्स ही यूज़ करें. आप चाहे तो येलो ऑकर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो माउ ब्लैक किसी भी तरह के स्किन कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इवन पिंक एज वेल. बट पर्सनली मुझे विटिश थोड़ी सी पसंद है, सो आई टेक दिस. अभी मैंने इंडियन रेड लगाया है जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क देना था. हेयर्स के नीचे का एक शेडो होती है थोड़ी सी, एंड आईज़ के अपर वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं. अब फेशियल शेडिंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है गाइस, आप मेकअप ट्यूटोरियल्स देखिए कि कहाँ पे कंसीलर लगाया है, कहाँ पे हमने हाईलाइट लगाया है, कहाँ पे हम ब्लश दे रहे हैं, कहाँ पे हम शेडोज क्रिएट कर रहे हैं. दैट विल हेल्प यू मोर एंड मोर. मेकअप वीडियोज से बहुत अच्छे से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाइलाइट्स किस तरह से फेस पे देने चाहिए. एंड गाइस, ब्रश का डायरेक्शन यू कैन ऑब्जर्व कि ब्रश का डायरेक्शन भी आपके फेस की बोन्स और मसल्स के अकॉर्डिंग ही मूव हो रहा है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं, स्ट्रेट ब्रश चलाते हैं, या तो डायगनल चला रहे हैं या हॉरिजॉन्टल चला रहे हैं, बट दैट्स नॉट वर्थ इट. हाउ डज इट वर्क इज कि आप ब्रश को अपने मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको स्मच करिए. आप बहुत ज़्यादा स्मच करेंगे, शीट के रेशे निकल सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट इट. बहुत हल्के हाथों से आपको ये सब कुछ करना है. इट्स वेरी सिंपल. मैं फिर कह रही हूँ गाइज, हो सकता है फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते आपको ये चीज़ समझ में आए. फर्स्ट माइट भी आपका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, बट घबराइएगा मत. कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, उसको साइड में रख देना. जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली आप उसको सही कर सकते हैं. अभी दिस इज़ लुकिंग नॉट गुड, बट एट द एंड अनदर वीडियो में जब हम इसको एंड करेंगे तब आप इसका लुक देखिएगा. दैट विल लुक वेरी नाइस. और ये बिगनर्स के लिए है ताकि, और ये एक्चुअल वीडियो है जिसको मैं एडिटिंग में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ. आपसे ये ऐसा ही बनना चाहिए. मैंने बहुत ही बेसिक्स के साथ ही बनाया है, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स और बहुत ज़्यादा स्किल मैंने इसमें यूज़ नहीं की है. सो आई होप गाइज ये आपको पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा. अभी फ़िलहाल मैं इसमें थोड़ी सी लिप्स में डैप्स दे रही हूँ. यू कैन सी इट, हल्का हल्का मैंने डैप दिया है. ये आईज़ पे थोड़ा सा हाई, मतलब शेडोज जो हमारी होती हैं आईज़ के अपर साइड में. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चिन. गाइज नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, गर्दन के बाहर तक आउटलाइन कर देते हैं या चिन के अपर साइड पे शेडो ले आते हैं, पर हमारी जो शेडो है वो चिन के नीचे होती है, नेक पर होती है. तो बी फोकस, हम आउटलाइन नहीं कर रहे हैं, वी आर गिविंग द शेडो. हम इसमें स्मच भी कर रहे हैं, ठीक है. अभी और ज़्यादा डैप दे दिया मैंने नोजल्स पे, मैंने इन पर डैप दिए थोड़ी सी. कैसे हो सकता है आपका ब्रश इतना जल्दी ना चले, सो डोंट वरी. आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हैं. देयर वुड बी अ सेटिंग ऑन वीडियो. वीडियो के राइट में आपके 3 डॉट्स आ रहे होंगे अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आपका स्पीड नॉर्मल लिखा है उसको आप स्लो कर सकते हैं. वैसे ही अगर आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो उसमें सेटिंग का एक निशान आ रहा है इस वीडियो के ऊपर ही, आप वहाँ जाकर इसको स्लो कर सकते हैं. दैट्स वेरी इजी अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी भी फास्ट लग रही है तो. आई होप गाइज आपको ये ईजीली समझ में आ रहा है. कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा दैट वॉट यू नीड टू लर्न मोर, या कौन सा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया. गाइज हम अभी थोड़े टाइम में ही ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं. सो कीप अपडेटिंग, कीप स्क्रॉलिंग, कीप सब्सक्राइब. गाइज अगला वीडियो आप देखना ना भूलें, उसके अंदर मैं बाल और आईज और ये सारे फीचर्स को बताऊँगी. सो थैंक यू सो मच गाइज for watching it. Do like and share House of Kalakar.